हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वेलकम बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का साइंस पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, जिसमें आज हम लोग ये देखेंगे कि जो साइंस पेपर कितने मार्क्स का थ्योरेटिकल होता है, कितने मार्क्स का अगर कहें तो प्रैक्टिकल होता है, उसके अलावा कौन कौन से चैप्टर में कितने मार्क का सिलेबस के अनुसार पूछा जाता है, सबसे पहले वो देखेंगे, तब किसी एक टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि क्लास 10 सीबीएसई में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उसका मार्किंग वेटेज क्या है। तो सबसे पहले अगर देखें तो ये न्यू सिलेबस का अगर कहें तो 80 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसमें से इस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट है ये केमिस्ट्री का सारा चैप्टर, इसी में आता है केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर। इसमें अगर कहने के लिए हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ते हैं, उसके अलावा एसिड बेस पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट। उसके अलावा अगर हम कहें तो क्या पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। ये सब सारे चैप्टर इसी केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल बिहेवियर में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड एक और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बारे में भी इंफॉर्मेशन सारा इसी केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर में पढ़ेंगे। तो ये टोटल पूछा जाएगा 20 मार्क का पूछा जाएगा। ये कितने मार्क का पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का इस बार थ्योरेटिकल पोर्शन में रहेगा। उसके बाद ये वर्ल्ड लिविंग मतलब अगर कहें ये बायोलॉजिकल चैप्टर है, सारा बायोलॉजी में जितना भी चैप्टर है इसमें पूछा जाएगा, और वो कितने मार्क का होगा, तो 23 मार्क का होगा, ठीक है। कितने मार्क का होगा, 23 मार्क का होगा। अब बात आती है नेचुरल फिनोमिना, ये नेचुरल फिनोमिना हो या इफेक्ट ऑफ करंट हो, ये दोनों फिजिक्स का पोर्शन है, फिजिक्स का पोर्शन। ये क्या है, ये दोनों क्या है, फिजिक्स का पोर्शन है। कुछ पोर्शन इसमें भी आता है नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे कि सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ, और वो जो इसमें दो भागों में फिजिक्स को बांटा है, नेचुरल फिनोमिना या करेक्ट इफेक्ट ऑफ करंट। तो नेचुरल फिनोमिना में तीन टॉपिक को हम लोग अगर कहें तो पढ़ना है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड थर्ड ह्यूमन एंड ये तीनों चैप्टर हमको नेचुरल फिनोमिना में करना है, और इफेक्ट ऑफ करंट में दो चैप्टर पढ़ना है। कहने के लिए इफेक्ट ऑफ करंट में दो चैप्टर पढ़ना है, एक इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इसमें एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर फिजिक्स का, और एक चैप्टर कहने के लिए बायोलॉजी का आता है। तो हम लोग अगर बात करें नेचुरल फिनोमेना और इफेक्ट ऑफ करंट में कितने मार्क का टोटल हो गया, अगर देखा जाए तो 25 मार्क का हो गया, जो कि फिजिक्स पोर्शन से हुआ। 25 मार्क्स किससे पूछा जाएगा, नॉर्मली कहें तो फिजिक्स से पूछा जाएगा, और जो अदर कुछ चैप्टर जो छोटे छोटे चैप्टर है वो नेचुरल रिसोर्स में आएगा, वो कितने मार्क का पूछा जाएगा, 7 मार्क का। अगर टोटल को काउंट किया जाए तो टोटल कितना हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन में, 80। अब बात करते हैं इस पांचों टॉपिक में से हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि बिलोंग करता है 13 मार्क्स से। ये 13 मार्क्स फिजिक्स का एक टॉपिक है, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, मुझे कोई ज्यादा ऑनलाइन क्लासेज का एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है कि कुछ अभी शुरुआती दिनों में मुझे कुछ दिक्कत आए, पर जैसे जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेते चला जाऊंगा, इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ते चला जाएगा, उससे मेरा तुमको जो देने का जो आउटपुट है वो 100% दे सकूंगा।
ऑफलाइन क्लास का तो बहुत दिन का एक्सपीरियंस है, बट ये ऑनलाइन क्लास का ये आज के सिचुएशन को देखते हुए स्टार्ट करना पड़ा है। और ये कोशिश रहेगी कि जो मेरे तरफ से जो भी दिया जाए बहुत ही सरल लैंग्वेज में दिया जाए, और जो भी तुमको डाउट्स होंगे वो तुम कमेंट में लिख सकते हो, और वो डाउट्स मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूं, और जो भी होमवर्क या असाइनमेंट मिलेगा इसी कमेंट बॉक्स में उसे देना है। और मैं एक पर्सनल अपना नंबर दे दूंगा जिससे कि तुम व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू मुझे ज्वाइन कर सकते हो। एक चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपना कॉपी कलम निकाल के बैठो, उसको साथ साथ में नोट्स बनाना है। ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ समझ रहे हैं, साथ में कॉपी पेन लेके रखो, और जब जब मैं समझा रहा हूंगा तभी तुमको नहीं लिखना है, लिखने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा, इसीलिए पहले समझ लो उसके बाद उतारो। तो आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर का स्टार्टिंग चैप्टर एक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग 10-12 नंबर के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है, इसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, बस ये क्या है, चार्ज के बारे में जो अध्ययन करते हैं, चार्ज के बारे में जो स्टडी करते हैं, यही इलेक्ट्रिसिटी होता है। कहने के लिए कि हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चाहेंगे तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ चार्जेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और ये चार्जेस के बारे में जो डिटेल से पढ़ेंगे, इस चार्जेस को दो टाइप से रखा गया है, एक चार्ज मोशन में रहता है और एक चार्ज रेस्ट में रहता है। तो ये मोशन वाले चार्ज को सर क्या कहते हैं और रेस्ट वाले चार्ज को क्या कहते हैं, तो उसको ऐसे समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिफाइंड किया गया है। एक मोशन वाले चार्ज को कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें क्या होता है, चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है, चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है। बट जब रेस्ट में होता है, यानी चार्ज किस में होता है, रेस्ट में होता है, तो वो क्या कहलाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको दूसरा वर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्टडी के रूप में क्या लिखते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कह सकते हैं, डिफिनेशन के तौर पे स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि जब कोई चार्ज रेस्ट में रहता है तब उसको किस में कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलो, ठीक है। अगर हम बोले कि जब चार्ज मोशन में रहता है, जब चार्ज मोशन में रहता है तब उसको क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तब उसको क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको अगर डिफाइन करने के लिए कहेगा तो क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, यानी जब कोई चार्ज मोशन में रहता है तब उसको क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट एक चीज ध्यान देना कि हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है, तो क्लास 10 में ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, क्लास 10 में क्या पढ़ना है, ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये मेरा क्लास 10 सीबीएसई क्लास 10 का ये रिलेटेड है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही सिर्फ 10 में पढ़ेंगे। और ये जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, डीपली पढ़ेंगे इसमें फिजिक्स के क्लास 12 में, फिजिक्स के क्लास 12 में। बेसिकली हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लिए कि इलेक्ट्रिसिटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और आज हम लोग आगे हम लोग किस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बात पता हो गया और क्लियर हो गया कि चार्ज जब मोशन में रहेगा तब हम उसको क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, और उसी को डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी करते किसको है। तो अगर डिफिनेशन के तौर पे देखा जाए, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल का जब एग्जिस्टेंस होगा उसमें जो एनर्जी होगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लो, उसके बाद आगे देखते हैं, इसको पॉज कर दो। तो अभी हम लोग जो देखे इलेक्ट्रिसिटी में एक वर्ड सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, वो हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये वर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते किसको है, ये होता क्या है, इससे पहले हम लोग क्या कुछ चार्ज के बारे में जानते हैं। हाँ, चार्ज के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन फिर से अच्छे से देख लेते हैं कि चार्ज होता क्या है। ये चार्ज कुछ नहीं बट ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये एटम के अंदर वन ऑफ द पार्ट है। एटम में जो तीन पार्ट्स होते हैं, एक क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जब चार्ज की बात होती है तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर कहें चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं,
चार्ज होते हैं टू टाइप्स के, चार्ज होते हैं कितने टाइप्स के, टू टाइप्स, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होते हैं निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं एंड निगेटिव चार्ज किसको कहते हैं, तो उसको समझने के लिए बस ये समझना है कि कोई भी एटम पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वह पॉजिटिव हो जाता है, या किसी भी एटम पर क्या हो इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, अगर इसको दूसरे रूप में समझे तो पॉजिटिव चार्ज को तो क्या बोलते हैं, कॉमनली कैरीड बाय द प्रोटॉन्स, यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज कब कहलाएगा, जब उसमें प्रोटॉन होगा। अगर निगेटिव चार्ज बोले तो क्या बोलेंगे, कॉमनली कैरीड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा तो उसको बोलेंगे निगेटिव चार्जेस, और प्रोटॉन को कैरी करेगा तो पॉजिटिव चार्जेस। बेसिकली अगर डिफाइन किया जाए चार्ज को, चार्ज को कैसे डिफाइन करें, तो उसके लिए कह सकते हैं डिफिनेशन के तौर पे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं है, ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी का ही एक रूप है, या इलेक्ट्रॉन दैट पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, या कह सकते हैं अभी जो बोल रहे थे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक बॉडी से वन बॉडी से दूसरे बॉडी में, और इसका कंडीशन अलग अलग हो सकता है और ये डिफरेंट मेथड से हो सकता है। ठीक है, वो मेथड्स क्या हो सकता है, कंडक्शन इंडक्शन एंड अदर स्पेसिफिक मेथड्स। ये कंडक्शन इंडक्शन ये सब क्या है वो आगे देखेंगे, लेकिन अगर बेसिकली समझा जाए तो कंडक्शन को कहने के लिए कोई मेटेलिक बॉडी पे जो चार्ज फ्लो करता है उसको कंडक्ट कहते हैं। इंडक्शन कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो वह इंडक्शन होता है, और अदर बहुत सारा प्रोसेस है। ठीक है, तो बेसिकली अगर कहे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है तो सिंपल वे में तुमको क्या बताना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाए इलेक्ट्रिक चार्ज को तो कैपिटल क्यू लिखो या स्मॉल क्यू लिखो, दोनों में से किसी एक को दो, वो क्या होता है चार्जेस का सिंबल होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, ये सिंबल होता है। ठीक है, अब बात उठता है सर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट होता है इसका, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। सर तो हमने देखा कि चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि चार्जेस के कुछ क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको देखते हैं, कि सबसे पहले ये देखना होगा कि चार्जेस के क्या गुण है, इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या गुण है, उसके प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये कहता है, प्रॉपर्टीज फर्स्ट यह कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि लाइक चार्जेस रिपेल करता है एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है। कहने के लिए लाइक चार्जेस का मतलब हो गया सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस, सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस का मतलब हो गया जब दो मिनिमम टू, जब दो चार्ज सेम नेचर मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव है तो निगेटिव, अगर दोनों सेम टाइप का रहेगा तब क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। या अनलाइक चार्जेस किसको कहते हैं, अपोजिट, अपोजिट का मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, या अगर पहला माइनस है तो दूसरा क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होगा, जब इस टाइप का कुछ कंडीशन रहेगा तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब करीब आना चाहेगा, अट्रैक्ट का मतलब क्या आना चाहेगा, करीब आना चाहेगा, और रिपेल का मतलब क्या होगा, दूर भागना चाहेगा, रिपेल करना है, रिपेल मतलब क्या हो गया, दूर करना। तो उसको अगर हम समझे एग्जाम्पल के थ्रू, मान लेते हैं कि Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं, बट वो चार्जेस क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्लस लिखा हुआ क्या मतलब हुआ, दोनों क्या है पॉजिटिव चार्जेस है, वो क्या करेगा रिपेल करेगा, वो क्या करेगा रिपेल करेगा। अगर अगर एक माइनस है और दूसरा भी माइनस है, दोनों क्या है सेम नेचर का है, पहला भी माइनस में है और दूसरा भी क्या है माइनस में है, तो वो क्या करेगा रिपेल ही करेगा, क्योंकि सेम साइन हो गया, सेम नेचर का हो गया, सेम नेचर क्यों, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, क्या करेगा रिपेल करेगा, क्योंकि सिमिलर रहता है तो क्या करता है रिपेल करता है, और सिमिलर को क्या कहेंगे लाइक चार्जेस कहेंगे, क्या कहेंगे लाइक चार्जेस कहेंगे। अब बात उठता है दूसरा ले लेते हैं, एक ले लेते हैं प्लस में, इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या सोचेंगे प्लस है, और इसमें क्या है माइनस है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, दो टाइप के चार्जेज है,
एक प्लस है और एक माइनस है, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दो टाइप के चार्जेस है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब दूसरा ले लेते हैं, एक माइनस है और दूसरा प्लस है, एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर का है। अपोजिट नेचर मतलब, अपोजिट नेचर का मतलब कि दोनों का जो अगर कहें साइन जो है अपोजिट में है। अगर इसको विजुअल रूप में देखें तो एक एग्जांपल या दो एग्जांपल से विजुअल रूप में देखते हैं कि कब अट्रैक्ट करेगा और कब रिपेल करेगा। पहले इसको लिख लो देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। लाइक का मतलब होता है कि सेम नेचर का, अगर हम बोले सेम नेचर का मतलब दोनों का साइन सेम होगा। देखो ध्यान से, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, और यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, अगर दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो वो लाइक चार्जेस, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपेल करता है। बट अपोजिट रहेगा, एक प्लस और एक माइनस, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, नेचर वाइज क्या है, अपोजिट है, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जब दो पॉजिटिव चार्जेज आपस में करीब आते हैं तो क्या होता है, वो अपने आप से दूर जाना चाहता है, रिपेल करना चाहता है। क्यों रिपेल इसलिए करना चाहता है, क्योंकि यह सेम नेचर का है। अगर कहें तो क्या है, सेम नेचर का है, और सेम नेचर का रहेगा क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, अब एक और देखते हैं। देखने से पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, निगेटिव है। अगर पॉजिटिव एंड निगेटिव यानी दोनों अपोजिट नेचर का हो, क्या हो, अपोजिट नेचर का हो, अपोजिट नेचर का हो, तो क्या होगा, अपोजिट नेचर का हो तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा मतलब इससे जो, इसको जो देने की क्षमता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है और इसको लेने की क्षमता है, ये देगा और ये लेगा, यानी ये दे रहा है और ये ले रहा है, यानी अट्रैक्शन वाला गुण आएगा। करीब बात को इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी टू देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी टू क्या होता है, प्रॉपर्टी टू देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी टू यह कहता है कि जब दो या दो से अधिक चार्जेस आपस में करीब रखे जाते हैं या दूर रखे जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्सन की घटना होती है। और ये अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है, कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करने पर या रिपेल करने पर एक फोर्स जनरेट करता है। जब हम एक चुंबक का लेते हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, एक चुंबक को कोई मेटेलिक बॉडी के पास ले जाते हैं, एक कील के पास ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कील करीब आने लगता है, कील क्या होता है, चुंबक के करीब आने लगता है। क्यों आता है करीब, क्योंकि उसमें एक फोर्स लगता है, चुंबक के द्वारा क्या करता है, फोर्स लगता है, जिसके कारण वो उसके करीब जाता है। अगर उसी चुंबक, एक और चुंबक लेते हैं और दूसरे को अपोजिट में रख देते हैं, क्या होता है, रिपेल करने लगता है, यानी वहां पर भी एक फोर्स जनरेट होता है। तो हम ये देखते हैं कि जब कोई दो या दो से अधिक चार्जेस आपस में करीब रखे जाते हैं तो क्या फोर्स लगता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं, और दोनों चार्जेस सपोज ये पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये भी पॉजिटिव चार्जेस हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। ठीक है, जो ये रिपेल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अब एक फिक्स डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस क्या है, ये आर क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, आर क्या है, डिस्टेंस, और एफ क्या है, एक फोर्स है, एफ क्या है, एक फोर्स है, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के प्रोडक्ट के। चार्ज क्या है, क्यू वन एंड क्यू टू, उसके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कॉन्स्टेंट लिखते हैं, वो कॉन्स्टेंट के रूप में लिखते हैं, और ये क्या होता है, F इक्वल टू के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को किसने दिया था, कूलम्ब्स ने दिया था, इसलिए इसका नाम कूलम्ब्स लॉ के नाम से जाना जाता है। इसका आगे क्लास 12 में डिफ्लेशन के साथ साथ टोटल डिराइव भी किया गया है। अभी बेसिकली बस ये देखा है, थोड़ा सा लगेगा कि सर ये नहीं समझे, हकीकत ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग क्लास 10 में है,
तो जरूर है कि क्लास 9 में कुछ ना कुछ साइंस पर है, और साइंस में एक चैप्टर था, फिजिक्स का एक चैप्टर था ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में भी जो फोर्स लगा, फोर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक मासेज को अगर देखा जाए, जैसे कि वहां पर जो हम लोग पढ़े M1 M2 दो मासेज होते हैं और उसके बीच में क्या होता है डिस्टेंस r होता है, तो F क्या होता था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, और F क्या हम लिखते थे जी M1 M2 अपॉन r स्क्वायर, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए r दिया जाता है, जी दिया जाता था, कहां पे ग्रेविटेशन में, इसमें पढ़ते थे ये ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़े थे। अब इसमें और इसमें सिमिलर है, कुछ नहीं अंतर है, अगर देखा जाए इसको न्यूटन ने दिया था और इसको कूलम्ब ने दिया था, अंतर क्या है, यहां पर मास है और यहां पर चार्जेज है, सेम घटना होता है, सारा चीज वही है कॉन्सेप्ट, बस अंतर क्या है, मास को हटाकर यहां चार्ज लिख देते हैं, मास को हटाकर यहां चार्ज लिख देते हैं, तो बस वही हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, तो बस उसी के बारे में हम लोग आगे डिटेल फॉर्मूला में न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा, इसलिए हमने ये बताया। अब ये के क्या होता है ये अब हम लोग देखते हैं, पहले इसको लिख लो, तो अब देखते हैं ये के क्या होता है, अगर के की बात करें ये के क्या होता है, के क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और के का मान फिक्स होता है, क्या होता है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, पर कूलम्ब स्क्वायर, बेसिकली ये सब थोड़ा सा याद रखने वाला है जो फॉर्मूला में यूज होता है, और आगे के क्लास में ये दिया गया है कि के क्या होता है, के इक्वल टू 1/4 πε0 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसका भी वैल्यू होता है 8.85×10^-12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये सब बेसिकली न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा रिमेंबर रखना है। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का क्या मतलब होता है कि हम चार्ज के बारे में यह कह सकते हैं कि यह नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी ये कंजर्व्ड है, इसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही इसको हम क्या कर सकते हैं नष्ट कर सकते हैं, बस इसका क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर का मतलब कि जब हम कभी यूनिट के बारे में बात करेंगे, मल्टीपल चार्जेस के बारे में बात करेंगे, वहां जो टोटल चार्ज लिखा जाता है वो टोटल चार्ज क्या होता है एडिटिव इन नेचर का मतलब हुआ सबको समराइज करके लिखा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर एक यूनिट है Q1 Q2 Q3 Q4 यानी चार प्रकार का चार्ज है Q1 Q2 Q3 एंड Q4 और इस चारों चार्ज का अलग अलग वैल्यू है। जैसे कि Q1 का क्या वैल्यू है -2 कूलॉम, Q2 का 5 कूलॉम, Q3 का 10 कूलॉम एंड Q4 का -3 कूलॉम। अगर कहेंगे ये एडिटिव नेचर का है तो टोटल चार्ज क्या हो गया, टोटल जो चार्ज हो गया वो क्या हो गया, टोटल चार्ज को देखा जाए तो प्लस वाले को एक साथ यानी 10 एंड 5 क्या हो जाएगा 15 कूलॉम एंड माइनस वाले को एक साथ ये दोनों का सम क्या हो जाएगा -5 कूलॉम, दैट क्या हो जाएगा 10 कूलॉम, रिजल्टेंट चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 10 कूलॉम, यानी ये क्या है एडिटिव इन नेचर है। अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी का, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज एंड द क्वांटम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू दैट ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चार्ज का बात करेंगे तो उसको कैसे किसी भी चार्ज को लिखेंगे, एक के रूप में, हाफ के रूप में या क्या, जब भी क्वांटाइज का मतलब ये होता है जब भी चार्ज लेंगे कम से कम इलेक्ट्रॉन के रूप में लेते हैं, मिनिमम चार्ज क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा नहीं है कि 4 यानी 4.2 समथिंग कुछ ऐसा लिखेंगे, जब भी लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को तो इलेक्ट्रॉन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन चार्ज का मान क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6×10^-19 कूलॉम, यानी कि जब ये चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, बट
वो नंबर जो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि हाफ इलेक्ट्रॉन ले लें, 0.25 इलेक्ट्रॉन ले लें, जब भी लेंगे एक यूनिट के रूप में लेंगे, और वो यूनिट हो सकता है जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक, वो भी एक होल नंबर के रूप में हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, इसको रिमेम्बर रखना है, ठीक है। तो अब ये बात उठता है कि हम लोग जो चार्ज को क्वांटाइज्ड रूप में लिखते हैं तो ये इसको अलग वे में कैसे समझो। जैसे कि अगर एक क्लासरूम है और क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जो बैठे हुए हैं, अगर वो बच्चे कुछ बाहर निकल रहे हैं, चाहे पानी पीने के लिए हो या कुछ और काम के लिए हो, तो वो क्या, एक अगर रमेश नाम का लड़का है तो रमेश पूरा बाहर जाएगा या आधा बाहर जाएगा, वो पूरा बाहर जाएगा ऑब्वियसली है। या दो बच्चे बाद में आ रहे हैं क्लास अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, क्या उसका आधा बच्चा आएगा या पूरा बच्चा आएगा, पूरा बच्चा आएगा। और इस बच्चे को इलेक्ट्रॉन सोचो, इस बच्चे को क्या सोचोगे, इलेक्ट्रॉन, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा तो टोटली रूप में आएगा, ऐसा नहीं कि 0.5, 0.25, जब भी आएगा तो एक इंटीजर वैल्यू में आएगा और वो भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू में, ठीक है, इसको लिखो।